जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके में मारपीट का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने बेटे को मुर्गी चोरी हो जाने के बहाने से बुलाया। जब बेटा घर पहुंचा तो सारी मुर्गियां वहीं पर थी। महिला ने अपने बेटे से शराब के नशे में गाली गलौज की और उसे कुल्हाड़ी मार दी। हमले में वह घायल हो गया। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मधुसूदनगढ़ के कैलाशपुरा के रहने वाले रामबाबू पिता जय सिंह बंजारा ने बताया कि वह अपने साड़ू भाई दिमान सिंह बंजारा के यहां ग्राम लक्ष्मणपुरा गया था तो शाम करीब 6 बजे उसकी मां नैनीबाई बंजारा ने उसे फोन किया। उन्होंने बताया कि तेरी मुर्गी चोरी हो गई है। वह करीब 6:30 बजे घर के सामने पहुंचा। मां उसने देखा कि सारी मुर्गियां वहीं पर थी। युवक ने अपनी मां से कहा कि सारी मुर्गियां तो यहीं पर है, कोई भी चोरी नहीं हुई है, फिर उसे क्यों बुलाया है। शराब के नशे में मारपीट। राम बाबू ने बताया कि उसने अपनी मां से पूछा, वह शराब के नशे में थी। वो बोली कि तुझे तो ऐसे ही बुलाया है। वह युवक को गालियां देने लगी। उसने गाली देने से मना किया। उसकी मां पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और युवक पर हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी युवक के पैर में लगी जिससे उसका पैर लहूलुहान हो गया। वह किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। इसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ मारपीट की और गाली गलौज की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।